राज्य के हवाई यातायात के लिए एक नई शुरुआत होगी। यह विचार शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिहान में इंडियामेयर एयरबेस हेलीकॉप्टर्स एमआरओ के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। एयरबस हेलीकॉप्टर्स और इंडियामेयर के बीच एमआरओ को लेकर करार हुआ है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यातायात क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश में एमआरओ पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस नीति के कारण इस क्षेत्र से जुड़ी अनेक कंपनियां एमआरओ केंद्र शुरू करने के लिए आगे आ रही हैं। देश में 27 नए एमआरओ शुरू हुए हैं, इनमें से अधिकांश अपने राज्य में हैं। नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब के लिए अनुकूल हवाई यातायात ई नीति को साकार करने में यह केंद्र मददगार साबित होंगे। फडणवीस ने कहा कि विश्व में हेलीकॉप्टर का उपयोग चिकित्सा सुविधा, पर्यटन, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। राज्य की नई यातायात नीति में एमआरओ, एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीपैड का निर्माण आदि शामिल रहेंगे। इस अवसर पर सांसद प्रफुल्ल पटेल, एयरबस हेलीकॉप्टर के ग्राहक सहायता सेवा विभाग के कार्यकारी उपाध्यक्ष रोमन ट्रैप, इंडियामेयर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रजय पटेल, एयरबस भारत एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक रेमी मेलार्ड और एयरबस भारत व दक्षिण एशिया के हेलीकॉप्टर विभाग के प्रमुख सनी गुगलानी उपस्थित थे। आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की नागपूरमध्ये इंडेमार एअरबस यांचा हेलिकॉप्टरचा एमआरओ या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। मला असं वाटतं नागपूरच्या वाटचालीमध्ये आज हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ज्या प्रकारे या ठिकाणी मत व्यक्त झाली मला असं वाटतं की तो दिवसही दूर नाही की ज्यावेळेस ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी देखील या ठिकाणी सुरू होईल। पण हा एमआरओ सुरू झाल्यामुळे एक फार मोठी इकोसिस्टीम हेलिकॉप्टर क्षेत्रातली आज नागपूरमध्ये या ठिकाणी सुरू होते आहे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं लवकरच आम्ही नवीन एव्हिएशन पॉलिसी देखील या ठिकाणी आणणार आहोत। या नवीन एव्हिएशन पॉलिसीमध्ये विशेषतः एव्हिएशन सेक्टरमध्ये एमआरओज असतील, एव्हिएशन सेक्टरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग असेल आणि एव्हिएशन सेक्टरमध्ये विशेषतः जसं आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी आपले विमानतळ तयार करतो तसं हेलिपोर्ट तयार करण्याकरताची पॉलिसी ही देखील आम्ही त्याच्यामध्ये घेऊ। हेलिकॉप्टरचा जो काही उपयोग आहे तो जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण जर बघितलं तर मेडिकल सर्व्हिसेस करता त्या ठिकाणी होतो, टुरिझम करता होतो, लॉ एन्फोर्समेंट करता होतो, त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचं इन्क्ल्यूजन हे एव्हिएशन पॉलिसीमध्ये त्या ठिकाणी करून आता आपल्या देशामध्ये एव्हिएशन सेक्टर अतिशय वेगानं वाढतो आहे त्यामुळे त्या सेक्टरचं बेनिफिट हे महाराष्ट्राला मिळालं पाहिजे असा प्रयत्न आमचा असतो। मिहानचा प्रकल्प चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे या आपला संपूर्ण विदर्भासाठी उपयोगी ठरवावा त्या हिशोबाने आपण मागील काळामध्ये नागपूर विमान हे महाराष्ट्र सरकारच्या एमएडीसी बरोबर भागीदारी करून ते हस्तांतरित केलं होतं आणि उद्दिष्ट हेच होतं की आज ते उद्या आपल्या नागपूरमध्ये एव्हिएशनसाठी मोठी एक इकोसिस्टम तयार व्हावी आणि त्यासोबत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इतर सर्व्हिसेस हे सुद्धा या नागपूरच्या मिहानपासून लोकांपर्यंत पोहोचावं। विषय अतिशय महत्वाचा हे आहे की आपण विदर्भामध्ये विकासाची आपण वाटचाल चालली पाहिजे, आपण त्याच्यावर अनेक वेळा चर्चा करतो पण अजून प्रत्यक्ष इतका आपल्याला जे डेव्हलपमेंट पाहिजे दिसत नाही। म्हणून इथे ज्यावेळेस बोईंगचे विमान खरेदी करण्यात आले एअर इंडियासाठी या परिसराच्या शेजारच्या परिसरामध्ये एअर इंडियाची इथे विमान सेवाची मेंटेनन्ससाठी एमआरओची उभारणी झाली आणि आता देवेंद्रजींनी जसं सांगितलं की आता बाहेरचे विमान यायला लागले, थोडा उशीर झाला पण नक्कीच त्याचा त्याच्या प्रगतीच्या पथावर आला। या फॅसिलिटीमध्ये पण ज्या पद्धतीनं आता विमानाची म्हणजे मेंटेनन्सची कामकाज सुरू झाली आहे आणि हे हेलिकॉप्टरच्या पण आता एमआरओ त्यामुळे इथे पण खूप सारे म्हणजे मला असा अंदाज आहे की हजारेक लोक इंजिनियर्स या एकाच कंपनीमध्ये काम करतील आणि शेजारच्या आता रिलायन्सच्या ते जसाऊच्या म्हणजे फाल्कनच्या राफेलच्या जे ओरिजिनल जे प्रोजेक्ट आलेला होता त्यामध्येही आता प्रगती आता सुरू झाली आहे। काही वर्षानंतर नक्कीच
मला असं वाटतं की नागपूरमध्ये एव्हिएशन रिलेटेड फॅसिलिटीज खूप आता इथे डेव्हलप जानकारी नहीं है पूरी तरह से टैक्सी वे ऑपरेशनल है पूरी तरह से टैक्सी वे बिना ये फैसिलिटी शुरू ही नहीं हो सकती वो गेट लगा है कोई भी है मगर फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ से कोई भी अब रुकावट नहीं है विमानों को आने जाने के लिए उसका जो प्रोसीजर है वो ठीक है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कई हर रोज यहाँ पर हवाई जहाज आते हैं जाते हैं चाहे एयर इंडिया की फैसिलिटी में हो चाहे यहाँ इंडमर की फैसिलिटी में हो और आगे आने वाले दिनों में और भी जो भी रनवे का एक्सटेंशन हो चुका है ऑपरेशनल एक महीने के बाद हो जाने वाला अकोला एयरपोर्ट को भी हमने डेवलप किया था नागपुर को भी डेवलप पहले से था मगर और अच्छा करने की कोशिश की गई थी नागपुर एयरपोर्ट के अलावा भी अमरावती में यवतमाल में दो जगह का तो मुझे जानकारी पक्की है कि ये दो जगह पे और चंद्रपुर में भी छुट्टी है कि वहाँ लैंड के कोई इश्यूज थे मगर ये तीनों जगह पर यहाँ अपने विदर्भ में अगर एयरपोर्ट डेवलप हो जाएंगे डेफिनेटली विदर्भ के लिए बहुत ही फायदा होगा। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले ग्वालियर से हैदराबाद और वहाँ से कनेक्टिंग मुंबई और बहुत सारे अलग सिटीज को कनेक्ट करने वाली सेवा इंडिगो की 1 तारीख से प्रारंभ हुई है और आगे आने वाले दिनों में गोंदिया से सीधा मुंबई की भी क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट कंजेस्टेड होने से नवी मुंबई एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो गोंदिया से मुंबई की भी सेवाएं डायरेक्ट शुरू हम चाहते हैं जैसे अभी देवेंद्र जी ने कहा कि पूरे विदर्भ में एक एविएशन के मामले में एक अच्छा इको सिस्टम डेवलप हो लोगों को यातायात की सुविधाएं बढ़े लोग अब केवल कुछ ठिकान जाते हैं या कुछ वर्ग ही जाता है हवाई जहाज में ऐसा नहीं है अब सामान्य आदमी भी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं पिछले साल 15.5 करोड़ लोगों ने भारत के भीतर प्रवास किया हवाई सेवाओं से विदेश 7 करोड़ लोग गए तो इसका मतलब ये है कि आज भारत में विमान सेवाओं की जो आवश्यकता और 140 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर 10% लोग भी हवाई जहाज में एक बार भी साल में बैठेंगे तो आज जितनी हवाई सेवा है उसका 4 गुना उसका वृद्धि का मतलब कुछ समय में आपको संभावना नजर आ सकती है।